बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूरे दिन का ड्रामा, सारा दिन शशो पांच, बड़े बड़े तजिया निगार, बड़े बड़े चौगादरी दानश्वर खेल को समझ से कासर है जो सियासतदान खेल चुके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली के इलेक्शंस की गिनती अभी मुकम्मल हुई है और डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन के खत जो उन्हें ऐवान में दिखाया, जो कि पिछले दो अढ़ाई घंटे पहले नोटिस में आया था इजलास शुरू होने के बाद कि चौधरी शुजात हुसैन का खत आ चुका है, और जिसकी बाद में मूना सलाई ने जियो के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने उसी तस्दीक की, हम सारे इकट्ठे बैठे थे और उसको का लाइव ट्रांसमिशन हमारी जारी थी, तो उसमें उन्होंने तस्दीक की कि चौधरी शुजात साहब ने यह खत लिखा है। और उसके बाद उन्होंने वहाँ कंसीड किया कि मैं हार गया हूँ, यानी कि हम हार गए और इमरान खान हार गया और चौधरी शुजात साहब जीत गए। तो ये तो बात है, मूना सलाई साहब का फौरी रिएक्शन जब ये चीज़ सामने आई और चौधरी शुजात साहब को मिलने आए तो, और पहले ये खबर आई कि शायद वो उनको मनाने आए हैं, फिर मूना सलाई साहब ने खुद बताया कि मैं नहीं मना सकूँ, ये ज़मीनी सूरत हाल है। अब उस खत के बिना पर डिप्टी स्पीकर जो कि प्रिजाइड कर रहे थे असम्बली को, उन्होंने 10 वोट्स जो थे वो रिजेक्ट कर दिए और हमजा शहबाज शरीफ साहब, एक रन ऑफ इलेक्शन था, रन ऑफ इलेक्शन का मैंने बताया था, मेरा ख्याल था कि शायद ये पहला इलेक्शन फिर रन ऑफ होगा, लेकिन आज पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये बताया कि जो पहला इलेक्शन था जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने 0 वोट लिए थे वो पहला इलेक्शन ठहरा था, और 20 की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद नई तरतीब में कि उन्होंने कहा ये वोट ना गिने और फिर इलेक्शन कराएँ, और फिर ये उसके बाद इसको रन ऑफ इलेक्शन कहा गया। इसमें आपको 186 वोट्स नहीं चाहिए थे, आपको एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी दूसरे उम्मीदवार पे। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब 180 वोट्स के साथ 3 वोट से जीत गए, क्योंकि 187 वोट्स या 186 वोट्स जो काउंट हुए हैं उनमें से 10 वोट्स जो हैं वो काफ लीग के रिजेक्ट हो गए। अच्छा, बात असूली, पहले तो बात थोड़ा बैकग्राउंड है जो जल्दी से बता दूँ कि ये जो परवेज इलाही साहब ने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट बने हैं, तो इसकी इस वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको पीडीएम की उस वक्त की जमातें और पीएस पार्टी ने और साथ एएनपी ने मुश्तरका तौर पे अपना वजीर आला पंजाब का कैंडिडेट बना दिया था। इस अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने परवेज इलाही साहब को इनकार कर दिया था, और उस्मान बुज़दार को हटाने में बिल्कुल उन्होंने कहा जी मैं नहीं हटाऊँगा परवेज इलाही साहब, बल्कि 2-3 दिन पहले पीडीएम को कहा कि आप जल्दी से वोट और नो कॉन्फिडेंस लाएं, ये ना कि इमरान खान साहब बुज़दार के जरिए असेंबली डिसॉल्व ना करा दें। चुनाचे परवेज इलाही साहब की तहरीक पे पंजाब के अंदर पीडीएम की जमातों ने तहरीक एतमाद भी बुज़दार साहब के खिलाफ जमा कराई। अब इसके बाद जब रात को दुआ खैर हुई और रात को सारी के मामला तय हुए, और ये बात है रात को कोई तकरीबन 1:30-2 बजे की या 1 बजे के लगभग, उसमें सारी चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज साहब, सारी पीडीएम की सारी जमातों के सरबराह जरदारी साहब की मौजूदगी में और मुबारक सलामत हो गई, परवेज इलाही साहब नॉमिनेट हो गए। तो अगले दिन परवेज इलाही साहब को सुबह से रात ही कोसी वक्त कॉल जाती है रावलपिंडी से लाहौर में एक साहब को, उन्हें कहा जाता है कि आप परवेज इलाही साहब के पास जाएं, उन्हें कहें कि आपको इमरान खान साहब चीफ मिनिस्टर बना देंगे पंजाब का, और आप बनीगाल आ जाके इमरान खान साहब को मिलें। अब परवेज इलाही साहब के पास से बंदा सुबह 8 बजे घर पहुंचता है या 8:15 या 8:30 और कहता है जी फौरी तौर पे आप बनीगाला फ़ोन करके इमरान खान साहब टाइम सेट करके चले। परवेज इलाही साहब 1:30-2 बजे बनीगाला पहुँच जाते हैं, 2:30 बजे बनीगाला पहुँच के वहाँ पे इमरान खान साहब जो कि कहते हैं कि जी मेरे देखो रू ना देखें कि फैसले बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी पार्टी के एक बंदे से पार्लिमानी पार्टी से कोई मशवरा नहीं लिया, कोई मशवरा नहीं लिया। ये लोग अपने आप को जमहूरी कहते हैं, लोगों ताने देते हैं कि बाकी पार्टी गैर जमहूरी हैं, परवेज इलाही साहब को वहीं पर बैठ के दस्ती फैसला हो गया। अच्छा, अब वहाँ पर जब हुआ तो परवेज इलाही साहब के साथ मूना सलाई साहब भी थे। मूना सलाई साहब का एक अपना प्रॉब्लम है, वो बच्चे के अंदर, अब तो खैर माशाल्लाह ग्रोन अप मैन है, उसके अंदर शुरू से ही एक उसके अंदर सलाहितें भी माशाल्लाह बहुत हैं, उसको लीडर बनने का भी शौक है, उसके अंदर एक जील है, एक एम्बिशन है लीडर बनने के लिए। और परवेज इलाही साहब जब वजीर आला बने थे तो उनको उसका बहुत एक्सपोजर हो गया था, बल्कि परवेज इलाही साहब की वजारत के ऊपर अगर कोई दाग लगे हैं या कोई अंडरमाइन हुआ है या कोई बातें हुई हैं तो मूना सलाई साहब के हवाले से ज़्यादा बातें हुई हैं, अगर कोई
मुबैना तौर पर हुई हैं। बहरहाल अब मुने सिलाई साहब के मुकाबले में चौधरी शुजा साहब के बच्चे जो हैं वो बहुत धीमे, बड़े नरम मिजाज और बड़े बड़े हम्बल से हैं। मुने सिलाई साहब के अंदर हम्बलनेस नहीं है, वो थोड़ी अग्रेशन है। तो उन्होंने वो फैमिली का जो था स्कोप था वहाँ पे फैमिली के अंदर तो काफ लीग में तो वो जानशीन बाज़ाहिर अपने आप को प्रमोट भी करा रहे थे और उनके अंदर उनका एक्टिविटी भी ज़्यादा थी। इमरान खान साहब का भला हो कि उन्होंने मुने सिलाई साहब को इक्तदार में आने के बाद, हालांकि इत्तेहाद हुआ, हालांकि सब कुछ तय हो कि सिलाई साहब वज़ीर बनेंगे, उन्होंने वो स्पेस नहीं दी। बल्कि वो इक्तदार में पहले दो ढाई साल तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं थे और वो किसी सूरत में वो तो लिफ्ट नहीं कराते। उनका ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको मेरे साथ लगाया हुआ है, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी ये अलग हो जाएंगे, मेरे पे इनका एहसान है ही नहीं। ये अभी ये तो बात है कुछ 7-8 महीने पहले उनको ख्याल आया कि परवेज शुजात साहब की बीमार पुष्टि की जाए, हालांकि इससे पहले शुजात साहब जिंदगी और मौत की कश्मकश में जर्मनी रहे और नवाज शरीफ साहब से लेकर हर बंदे ने उनकी बीमार पुष्टि की, उनको फ़ोन किया जर्मनी में। उनको बड़ा शिकवा था परवेज इलाही साहब को कि शुजात साहब की उसने एक फ़ोन झूठे मुँह करके, हम इनके तहादी थे इसकी वजारत में, और इसे शुजात साहब का नहीं पूछा। अच्छा, शुजात साहब फैमिली के अंदर उनको एक पेट्रियॉक या जिसको कहना चाहिए एक फैमिली के बाप की हैसियत हासिल थी और सारे परवेज इलाही साहब, उनके भाइयों ने, शुजात साहब उनके भाइयों ने, सब ने दर्जा दिया था। इसके अलावा उनकी अक्ल और दानिश पे के आगे सारे जो थे बहुत ही ज़्यादा हम्बल हुए हुए थे, वो माइल हुए हुए थे और उनकी दानिश में बाकी भी सियासतदान समझते थे कि वो ज़ीरक हैं और मामला फहम है और इंतहाई जिसमें ज़बरदस्त तरीके से अपने मामला को चलाते हैं। इसलिए मैंने देखा कि अपने वीलॉग में हमेशा मैंने उनकी बड़ी तारीफ़ की। परवेज साहब को मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हालाँकि जो साहब जो थे उनके जो शिकायत थी शरीफ फैमिली से बड़ी हमेशा जायज़ होती थी। लेकिन यहाँ पर ये हो गया जब मुने सिलाई साहब अभी सियासत प्रमोट कर रहे थे तो मैंने सिलाई साहब को वहाँ स्पेस तरीके साफ ही मिलती थी। वो ख्याल था ये लावारसी पार्टी है, इमरान खान साहब का आगन अपेक्षा, और अगर इसके अंदर मैं किसी तरीके से आ जाऊँ और हम एक तरीके से अंदर आ जाएं तो फिर इमरान खान साहब से मिल के और उसको मैं वहाँ पे मेरा कोई नाम पैदा हो जाएगा। ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के अंदर एक पूरी लंबी लाइन है कि यहाँ पर मरियम नवाज साहब भी हैं, उसके बाद हमजा साहब भी हैं, उसके बाद और भी हैं, बाकी पार्टी में भी यही हैं। तो उन्होंने फिर तहरीक इंसाफ की एक मकबूलियत भी उनकी थी, चुनाचे वो किसी न किसी तरीके से कोशिश तो बड़ी की लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी। बरहाल जब ये बनीगाला में गए तो अपने तौर पर बाप बेटा ने एक ऐसा फैसला किया जो चौधरी शुजात साहब के ऊपर एक बम बन के गिरा। दो दिन चौधरी शुजात साहब ज़ारो कतार रोते रहे। एक तो उनकी उम्र ही बड़ी से ज़्यादा उम्र तो खैर इतनी नहीं है जितना उनका, बहुत सारे लोगों को मैं बड़े हेल्दी देखे, उनकी सेहत के मामला ऐसे हैं कि एक अरसे से पार्किंसन की वजह से और कुछ दूसरी शुगर वगैरह की वजह से वो बड़े उनको तकलीफ़ में हैं। इस सारी उसमें उनकी मजीद तकलीफ पहुँचाई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी देख लें कि चौधरी परवेज इलाही साहब दो ढाई साल से जब 2019 में फजल रहमान साहब का धरना हुआ था तब भी उन्होंने उनको यही तसलियाँ कराई थी कि हम इस ताक में हैं कि जब लोग इकट्ठे हो जाएं और सेलेक्शन को हम कन्विंस कर लेंगे, हम इसके खिलाफ वोट और नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। और वो एक बड़ी इनके अंदर तहरीक थी और वो यकीन जानू कि मैं हर उनका जानने वाला चाहता है, मैं वो तो बात नहीं करूँगा जो मेरे साथ उनकी होती रहती थी, कि वो इमरान खान से बहुत शाकी थे। फिर टी वी पर भी आज कह चुके थे चंद दिन पहले ये इमरान खान साहब के साथ अहद पैमान करने से पहले उन्होंने यही तो कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से 3.5 साल नैपियाँ चेंज करवाता रहे। जिस बंदे को 3.5 साल में अपनी नैपी नहीं चेंज करनी है, अपने पोतड़े नहीं चेंज करने आए, ये बंदा ये कितना उन्होंने बताया कि जैसे पंगूड़े के अंदर बच्चा पड़ा है और एस्टेब्लिशमेंट को झूले दे रही है और फीड कर रही है। तो उन्होंने कहा जी अब इस सूरत में, अच्छा चूंकि उनको किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा था उधर चले जाओ, तुम्हें ख्याल था कि शायद एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि हम इमरान खान साहब को अभी बचाना है, वो गलती में बेचारे चले गए। बाद में शाकी भी थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है और धोखा भी एस्टेब्लिशमेंट ने किया है कि उधर भेज, उन्हें पता चला कि नहीं मामला तो कुछ फ़र्क है। लेकिन इसी दौरान ये 2.5 साल मुसलसल अपोजिशन के साथ रबते में थे और हम मुसलसल उनको बता रहे थे और वो उस वक्त कोई ये शर्त नहीं थी कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला बने, उनको तो ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब का मक्कू ठप्पा जाए।
आखिरी दिनों में खतरा हुआ तो इमरान खान साहब ने मुनस को वजीर बना दिया, अकोमोडेट कर लिया। अब वोना साहब जब अकोमोडेट हुए तो उनकी उन्होंने इमरान साहब से कुर्बत देखी तो उन्होंने फिर उनकी शौक दोबारा औत कराया, यार एक स्कोप बनता है। इतने में ये वाक्य हो गया, वाले साहब के साथ पहुंच गया इमरान खान साहब के पास। अब जब ये आए तो अब वहाँ पे सारी चीज़ें जो थी एक पंचायती फैसला था। अच्छा, इस दौरान कितनी मीटिंग थी जो प्रेस के अंदर आई, जो जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अभी खदोखाल बन रहे थे कि फरोज लाई साहब की तरफ से ये आया कि जी एम क्यू एम से ये रब्ता कायम कर रहे थे, बाप से ये रब्ता कायम कर रहे थे और खुद इनके बयान आते हम सारे फैसले इकट्ठा करेंगे। चुनाचे जिस दिन फरोज लाई साहब ने पलटी खाई अपनी पार्टी के और अपने सारे जो अखलाकियात हैं उसको तहबाला करके और चौधरी शुजात साहब को इस उम्र में एक कचूका लगा के एक सदमा ले के एक और फैमिली के अंदर जिसके अंदर एक जब से मैंने इनको 50 साल से जानता हूँ इनके दरमियान में दोनों भाइयों के दरमियान में जो कज़न है सगे भाइयों से ज़्यादा थे, दोनों की बहनों की शादियाँ इन एक दूसरे के साथ हुई हैं और एक ही घर था, एक ही अभी तक इनका जो दलान है सारों का चौधरी परवेज लाई साहब का शुजात साहब का एक ही है और एक ही जगह रहते हैं दोनों, एक ही तरह रिसीव करते हैं, एक ही जगह से रिसीव करते हैं मेहमानों को। राइट साइड पे अंदर दाखिल हो तो शुजात साहब का घर आ जाता है, लेफ्ट साइड पे परवेज लाई साहब का घर आ जाता है। शुजात साहब को उन्होंने जो दर्जा दिया था एक उनको एक बहुत ही मुकद्दस दर्जा दिया हुआ था, सियासत से बड़ा था, रूहानियत का दर्जा दिया हुआ था और ये हरकत कर देना और फिर सबके सामने शर्मिंदा करवाना जरदारी साहब के सामने। शुजात साहब एक बात पे तो बजिद हो गए थे और वो बार बार समझाते, बाद में खैर जब इनके दो मामला ठीक भी होने लगे तो उनको ये था कि वजह निजा ये है कि उसके उनके इमरान खान साहब के साथ जाना है, इसको रेक्टिफाई होना है। वो मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा ठीक होते भी रहा। कल रात जब जरदारी साहब की मुलाकात थी तो मेरा ख्याल है कि शायद परवेज लाई साहब या मुनीर लाई साहब से भी मुलाकात हुई है, उनको कम अज़ कम मेरा ख्याल है उनको इस खत का भी इल्म था कि शुजात साहब ने उनको ये अल्टीमेटम दिया था कि मैं खत लिख दूंगा। मुझे लगता था कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो गई हो और एक तासुर मिला भी सही, लेकिन बाजार ये लगता है कि अंडरस्टैंड नहीं हुई। और अब परवेज लाई साहब तोड़ा तो इवन एम क्यू एम ने और बाकी पार्टियों ने कहा कि ये परवेज लाई साहब को कि ये तो हमें कहते थे हम इकट्ठे फैसला करेंगे, वहाँ जाके बनी गाल में अकेला कर लिया। बाजी फिर पलट गई है, बाजी ख़त्म अभी नहीं हुई क्योंकि काफ लीग जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केस पे हो सकता है अगर स्टे भी दे दे तो हमजा तो पहले से वजीर आला ही हैं, वो चलेंगे। अब ये रन ऑफ इलेक्शन है, इसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लानी पड़ेगी। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ये भी हो सकता है कि जी काफ लीग के 10 बंदों को रिज़ाइन करवा दिया जाए और यहाँ पर इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। उस इलेक्शन का रिजल्ट भी शायद उसी तरीके से आए जो तरीके से पहले निकाला है, दो चार महीने बाद फिर वही सूरत हाल पैदा हो कि उन 10 इलेक्शन के बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। बहरहाल आज की कहानी यह है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का सरकारी तौर पर असम्बली में एज ए वजीर आला पंजाब इंतखाब का ऐलान हो चुका है। शायद वो कल हल्फ तो ना उठाएं, हल्फ उठाया हुआ है क्योंकि एक रस्म में हो सकता है उठाना पड़ जाए हल्फ नया, तो कल वो हल्फ भी उठा लेंगे। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जब फैसला करेगी तो यही करेगी कि शुजात साहब अब सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि आया उनको डिस्क्वालीफाई किया गया नहीं, तो अगर उन्होंने डिस्क्वालीफिकेशन कर दी तो ये 10 बंदे जब डिस्क्वालीफाई होंगे तो फिर एक इलेक्शन होगा। फिर उस इलेक्शन में फ़र्ज़ किया कि 10 सीट्स जो हैं उसे बड़ा सख्त मुकाबला होगा। हमजा साहब फिर अभी 3 वोट से जीत रहे हैं और 7 में से भी अगर हमजा साहब 6 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं तो ज़ाहिर है मेजॉरिटी में होंगे, तो इसलिए गेम लंबी हो गई। लेकिन जब तक फैसला नहीं होता पाकिस्तान का ये सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है और पाकिस्तान इमरान खान साहब को तो ये चाहिए नहीं है परवेज लाई का वजीर आला बनाना, उनको तो ये चाहिए पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी तबाही लेके आए ताकि पाकिस्तान को डीमिलिटराइज किया जाए, पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज हो सके। और यही अमेरिका की साजिश है, यही अमेरिका का एजेंडा है। इमरान खान साहब बाकायदा उसके अंदर मोर है। मेरी सिर्फ अर्ज सिर्फ इतनी है, या मैं जो मेरा ख्याल है अगले 2 दिन में एक व्लॉग करूँगा इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के इस घनावने जुर्म में और कौन कौन साथ हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता यह है कि ये काम जो कुछ हो रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान को इस तरीके जगह लाया गया है, ये पाकिस्तान इमरान खान साहब
मोहरे नाचीज़ है, असल जो है प्लेयर जो है और भी बहुत कुछ है, इसमें भी हम बाद में बात करेंगे। आज जो है एक हमजा शबाशी वज़ीर आला पंजाब और सियासी अदम इस्तेकाम कल से आज ज़्यादा मौजूद और कल इससे ज़्यादा होगा। वाह तेरी किस्मत पाकिस्तान।